अपने नेक के कालेपन से बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्या आप अपने नेक के कालेपन को दूर करने के लिए न जाने कौन कौन सी रेमेडी ट्राई कर चुके हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ उसे अप्लाई करने के बाद आपका जो नेक है वो बहुत ज्यादा क्लीन और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है, इसे आपको अपने नेक पे कैसे अप्लाई करना है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल पे दिल से स्वागत है, मैं हूँ अर्चना। इसे बनाने के लिए सबसे देखिए ये सारा प्रोसेस जो करूंगी मैं अपने हाथों में करके आपको दिखाऊंगी। आप इसे अपने हाथों पे भी कर सकते हैं और आप इसे आप नेक पे भी कर सकते हैं। हमेशा आप फेस की केयर करते रहते हैं, उसमें क्या होता है कि नेक की केयर करना जो है भूल जाते हैं, तो अचानक आपको याद आता है कि जो आपका नेक है वो आपके फेस से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करते रेमेडी जो है वो तलाशना शुरू कर देते हैं। आपने बहुत दिनों से इस पे कुछ अप्लाई नहीं किया है, तो वहां पे जो है हमें सबसे पहले वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना होगा, जिससे कि आप जो भी रेमेडी उस पे अप्लाई करें वो पूरी तरीके से उस पे वर्क करे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है। आप चाहे तो अपने पाम में भी ले सकते हैं, इतना क्या कि पहले बॉल में लीजिए फिर उसमें लगाइए। बस आपका जो हैंड हो, पहले करने से पहले कोई भी प्रोसेस करने से पहले आप अपने हाथों को जरूर क्लीन कर लिया करें, ताकि जो उसके गंदगी जो है आपके फेस पे आपके नेक पे ना जाए। तो आप पहले अच्छे से जो है अपने नेक के सर्कुलर मोशन में, देखिए नेक है तो आपको जो है फिंगर से ऐसे ऐसे जो है उसको उसकी मसाज करनी है। तो आप इस तरह से मसाज करेंगे, काफी अच्छे से मसाज करना है, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाए और फिर आप रेमेडी कोई तरह करेंगे तो बहुत अच्छा वो वर्क करेगा। तो आप अच्छे से जो है आप यहाँ पे अपने नेक पे ऐसे ही मसाज करेंगे। को 5 मिनट तक मसाज करना है, उसके बाद आपको एक पैक रेडी करना है जो कि स्क्रब भी होगा और पैक का भी काम करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 स्पून, देखिए मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, 1 स्पून आपको कर्ड लेना है। कर्ड आप ट्राई करें कि बहुत ज्यादा खट्टा हो तो बहुत अच्छी बात हो, मतलब पुराना, वैसे तो विंटर है तो जल्दी कर्ड खट्टा नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी ट्राई करें कि आपका जो कर्ड है वो खट्टा हो। अगर नहीं है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, तो इसमें आप या तो हाफ लेमन ले लें, हाफ लेमन का जूस ले लें। अगर आपके पास लेमन भी नहीं है तो जो आमचूर पाउडर होता है उसका भी यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी खट्टी दही का ही यूज किया है, इसलिए मैं यहाँ पे लेमन नहीं ऐड कर रही हूँ। अब जो आपने कर्ड लिया है उसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वाइल्ड टर्मरिक का यूज करना है। अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक नहीं है तो आप किचन हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपको 1/2 स्पून जो है वो जैगरी पाउडर ऐड कर देना। जैगरी पाउडर आपके स्किन को लाइटन करने का काम करता है, ये जैगरी पाउडर बहुत अच्छा होता है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि यहाँ पे आप जैगरी पाउडर का ही यूज करें। लेकिन अगर आपके पास जैगरी पाउडर नहीं है, बहुत लोगों के पास जैगरी पाउडर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/2 स्पून शुगर लेना है और 1/2 स्पून ही आपको यहाँ पे कॉफी भी ऐड करना है। देखिए ये प्यारा सा स्क्रबर जो है, ये प्यारा सा स्क्रबर, प्यारा सा पैक जो है वो बनकर आपका रेडी हो गया है। इसे अपने नेक पे सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मसाज करेंगे, और जहां जहां पे ब्लैक ज्यादा हो गया, किसी किसी बैक साइड में बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, इतना ब्लैक हो जाता है कि देखने में बहुत अजीब लगता है, तो वहां पे थोड़ा सा अच्छे से आप मसाज करें। और अपने नेक एरिया पे जहां पे देखिए पीछे के साइड बैक साइड ज्यादा ब्लैक हो जाता है, तो वहां पे काफी अच्छे से आप स्क्रब करेंगे, और अच्छे से जब आप स्क्रब कर लेंगे उसके बाद आपको अपने नेक को अच्छे से वॉश कर लेना है। आप अच्छे से स्क्रब करेंगे, जो गर्दन है बहुत ज्यादा काली है तो आपको पहले इसको वेट क्लॉथ से वाइप करना होगा, बहुत ज्यादा नेक काली नहीं पड़ी है तो आप इसके ऊपर ही इसकी जो एक लेयर है वो आप इस पे लगा देंगे, और इसे जो है आप सूखने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद आपको पहले वेट क्लॉथ से इसको वाइप करना है, देन आप वॉश करेंगे, इसके बाद आप वॉश कर लेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप इसे जरूर ट्राई करके देखें और अपने अपने काली पड़ी गर्दन को जो है वो अच्छे से चमकाइए, और ट्राई करने के बाद अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है तो प्लीज आके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन भी होगा उसे भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।